अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्यू मोबाइल स्मार्ट एच डी प्रो की। ये जो डिवाइस है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और इसकी रिटेल प्राइस की अगर बात करें तो तकरीबन 7,500 रुपए के करीब जो है इसकी रिटेल प्राइस मिलेगी। ऑफलाइन मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होगा स्मार्ट एच डी प्रो के नाम से। तो इसको आज की वीडियो में दोस्तों करेंगे अनबॉक्स, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है। और एक चीज़ जो मैं चेक करना चाह रहा हूँ पर्सनली, कि ये डिवाइस मैंने चेक करनी है 4G सपोर्टेड है या नहीं। इसके पूरे बॉक्स के ऊपर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ऑनलाइन मैंने चेक किया है लेकिन वहाँ पर भी ठीक से किसी वेबसाइट पर मुझे नहीं मिला है कि ये 4G सपोर्टेड है या सिर्फ 3G सपोर्टेड है। तो इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, स्पेसिफिकेशन आपको क्या मिलती है, साथ में क्या एक्सेसरीज दी गई हैं, और ये डिवाइस 4G सपोर्टेड है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है क्यू मोबाइल स्मार्ट एच डी प्रो का बॉक्स। एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया डिवाइस का। इस साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मैंशन किया गया, जिसमें फ्रंट और बैक कैमरा को मैंशन किया गया, रेजोल्यूशन नहीं बताए गए। इसके अलावा 6-inch HD LCD स्क्रीन आपको मिल जाती है। 1.3 GHz का आपको प्रोसेसर यहाँ पर मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी है, 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज, और एंड्रॉयड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर आपको दिया गया है इस डिवाइस में। कलर हमारे पास है ग्रेडियंट ब्लू कलर। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। तो एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है साथ में। तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। सबसे ऊपर हमें मिलती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में मज़ीद देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक हैंड फ्री दिया गया है यहाँ पर कुछ इस डिज़ाइन का। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 1.5 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक मिलती है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही आपको एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल है। नेक्स्ट आपको 4000 mAh की एक बैटरी दी गई है। इसके अलावा यहां पर आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, यूज़र गाइड है, और साथ में आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस मिल जाता है। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, हमारे आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। ये है जनाब क्यू मोबाइल स्मार्ट HD प्रो। स्टिकर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, डुअल सिम एंड 3G सपोर्ट। मींस कि ये 3G सपोर्टेड डिवाइस है, 4G सपोर्टेड डिवाइस नहीं है। फिज़िकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ माइक्रो USB पोर्ट दी गई है चार्जिंग के लिए। 3.5 mm का जैक आपको दिया गया है, इस साइड पे कुछ नहीं है। नीचे एक माइक आपको मिल जाता है। अच्छा, डिज़ाइन जो है ये ओल्ड डिज़ाइन आपको मिलता है। ऊपर और नीचे की तरफ आपको थोड़े बेजल्स मिल जाएंगे, और साइड वाले जो बेजल्स हैं वो यहाँ पर मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं, ऊपर और नीचे की तरफ हैं। और ऊपर वाले जो बेजल्स हैं, यहाँ पर आपको एक कैमरा और साथ में LED फ्लैश दी गई है, और उसके ऊपर एयर पीस है। बैक साइड पर आपको कैमरा मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश है, और रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। क्यू मोबाइल की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। तो इसमें रिमूवेबल बैटरी यूज़ होती है, तो बैक साइड जो है आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डुअल सिम का ऑप्शन मिल जाता है, SIM 1 और SIM 2 के, और साथ में आपको एक माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बैटरी को डाल लेते हैं फ़ोन के अंदर। फ़ोन को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों डिवाइस हमारी कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी है, क्यू मोबाइल स्मार्ट HD प्रो। तो सबसे पहले इसकी फुल ब्राइटनेस देख लेते हैं। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है। यहाँ पर आपको रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है, और फेस अनलॉक भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। फेस अनलॉक भी ठीक से वर्क कर रहा है, लेकिन डिले के साथ, थोड़ा टाइम लेता है, और उसके बाद आपकी डिवाइस जो है वो अनलॉक होती है। ओके, अब आ जाते हैं दोस्तों कैमराज की तरफ। तो यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा रेयर में देखने को मिलेगा, और फ्रंट पे कैमरा आपको मिलेगा, और दोनों कैमराज यहाँ पर 8 MP के दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा के साथ भी LED फ्लैश आपको मिल जाती है, रेयर कैमरा के साथ भी। और जो क्वालिटी है वो बस मतलब गुजारे लायक के इमेजेस आप जो है बना सकते हो, इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आप नहीं बना सकोगे यहाँ पर। डिफरेंट मोड्स की बात करें तो मैनुअल, ब्रस्ट, पैनोरामा, फिल्टर और QR कोड के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स जो हैं कैमरा की वो आपको मिल जाती हैं अगर इस साइड से स्वाइप करते हो तो। क्वालिटी इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी है फ्रंट और रियर दोनों कैमराज़ की, नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिल जाती है। इमेजेस आप सेल्फीज़ वगैरह वीडियोस वगैरह बना सकते हो और फ्रंट कैमरा में आपको फ्लैश भी मिल जाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लो कंडीशन में आप फ्लैश का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एंटूटू स्कोर्स की अगर बात करें तो क्यू स्मार्ट एच डी प्रो का जो स्कोर हमें मिल रहा है वो है 41,000। इसके अलावा सी पी यू जी पी यू मेमोरी और यू एक्स का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं यहाँ से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस कोई डिवाइस जो सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है वो है 5, मैक्सिमम 5 टचेस को एट ए टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो चिपसेट लगाया गया है ये 28 नैनोमीटर वाला चिपसेट है यूनि एस ओ सी एस सी 7731E के नाम से, माली T820 का यहाँ पर जी पी यू आपको मिलता है। और ये जो चिपसेट है 28 नैनोमीटर वाला है और क्वाड कोर चिपसेट है, ऑक्टा कोर चिपसेट नहीं है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। क्वाड कोर चिपसेट है यहाँ पर। LPDDR3 आपको 1 GB रैम मिल जाती है और साथ में 16 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीन है 5.9 इंच की जो है आपको स्क्रीन मिल जाती है। IPS LCD डिस्प्ले है, 60Hz का रिफ्रेश रेट है। इसके अलावा 720x1440 pixels का आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है। 320 DPI और 269 PPI आपको यहाँ पर मिलते हैं। 4000mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलती। तो दोस्तों ओवरऑल जो डिवाइस लुक वाइज है वो अच्छी लग रही है, स्लिम है और जो लुक है डिवाइस का वो ठीक लग रहा है मुझे। फ्रंट साइड भी बेजल्स इतने ज़्यादा नहीं है, आपने देखा होगा इस तरह की डिवाइसेस में साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा बेजल्स होते हैं, तो यहाँ पर साइड पे आपको बेजल्स काफ़ी लो नज़र आएंगे, ऊपर और नीचे की तरफ बेजल्स हैं। दूसरा यहाँ पर ये जो डिवाइस है 4G सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ 3G सपोर्टेड है, तो 4G का आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल नज़र नहीं आई होगी, ना ही नीचे की तरफ दी गई है, ना ही ऊपर है और ना ही बैक साइड पे आपको कोई स्पीकर ग्रिल मिलती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो स्पीकर है दोस्तों डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं इस डिवाइस के अंदर, और जो ये एयर पीस आपको नज़र आ रहा है सेम इसी तरह का एक एयर पीस जैसा ही नीचे की तरफ भी बनाया गया है, जो कि दोनों ही काम करते हैं। जब भी आप कोई ऑडियो कोई भी साउंड जो है चलाते हो तो ये दोनों काम करते हैं और दोनों तरफ से आपको वॉइस आती है। तो डुअल स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस डिवाइस के साथ में। तो मैं आपको एक बार थोड़ा चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर कुछ रिंगटोन्स को चला लेते हैं। यहाँ पर डुअल स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों, दोनों तरफ से आवाज़ आती है और जो साउंड की क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाती है। इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त आपको इस मतलब डिवाइस के साथ जो स्पेसिफिकेशन इसमें दी गई है उस हिसाब से जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों ओवरऑल जो डिवाइस है लुक वाइज काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगी है। फ्रंट साइड पर अगर देखें तो स्क्रीन में जो बेजल्स हैं साइड वाले बेजल्स काफ़ी कम रखे गए हैं, ऊपर और नीचे थोड़े आपको ज़्यादा बेजल्स देखने को मिल रहे हैं, साइड वाले इतने नहीं है। लेकिन आप अगर इसी कैटेगरी की और डिवाइसेस को देखेंगे ना तो उस पर चारों तरफ आपको इस तरह के मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि बेजल्स को कम रखा गया है। इसके अलावा जो यूज़ है दोस्तों डिवाइस का वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी स्मूथली आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी आपको स्लो महसूस होती है, स्लो चलती है, क्योंकि यहां पर आपको चिपसेट जो है थोड़ा लो क्वालिटी का मिल रहा है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी लो क्वालिटी का है, रैम कम है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपको थोड़ा स्लो मिलेगा। लेकिन अगर न्यू बंदा है न्यू पर्सन इसको यूज़ करेगा उसको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर आप किसी डिवाइस से इससे अच्छी डिवाइस से अगर इस पर स्विच होंगे तो फिर आपको थोड़ा ये स्लो फील होगा। इसकी दोस्तों प्राइस जो है वो है 7,500 रुपये, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादा है, इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए थी। इसकी प्राइस 5,000 तक होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो यहाँ पर सिर्फ 1 GB आपको रैम मिल रही है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, और दूसरी बड़ी चीज़ कि यहाँ पर सिर्फ आपको 3G की सपोर्ट मिल रही है, 4G को ये डिवाइस जो है सपोर्ट नहीं करती। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में 5,000 अगर इसकी प्राइस होती रिटेल प्राइस
तो ज़बरदस्त होता और लोग खुश होकर इसको परचेज़ करते। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।